राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल जो कि राजपुताना शीत कला का एक बेहतरीन नमूना है। जयपुर आने वाले ज्यादातर टूरिस्टों को ये लगता है कि हवा महल केवल एक दीवार है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस महल में लगभग 5 मंजिलें हैं जिनके अंदर सैकड़ों कमरे बने हुए हैं और कुल मिला के इस महल के परिसर में 953 खिड़कियां बनी हुई हैं। तो हेलो गाइस, जय श्री राम। तो स्वागत आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो अभी फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ पिंक सिटी जयपुर में और ये है पिंक सिटी के नज़ारे जो कि हैं बहुत ही प्यारे। आप देख ही सकते हैं भाई कितनी खूबसूरत लग रही है पिंक सिटी। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ जयपुर की सबसे फेमस जगह हवादार हवा महल, जिसकी हवा खाकर आप लोगों को भी आनंद आ जाएगा। तो पेश है आप सभी के सामने जयपुर की सबसे नायाब चीज हवा महल। आप इसकी बाहर से ही खूबसूरती देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये अंदर से कितना लाजवाब होगा। अब देखो यार गाइस, जितने ज्यादा एक्साइटेड आप है इस हवा महल को देखने में उतना ही ज्यादा एक्साइटेड मैं भी हूँ। लेकिन पहले आप लोग इसकी खूबसूरती को बाहर से निहारिए, तब तक मैं आप लोगों को इस महल के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो ये महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़ी चौपड़ के पास स्थित है और इस महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था और इस महल का ये पूरा का पूरा डिजाइन भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से प्रभावित होके बनाया गया है और ये पूरा का पूरा महल लाल बलुआ और पिंक कलर के पत्थरों से बनाया गया है जिसके अंदर लगभग 953 खिड़कियां हैं और अनेकों कमरे हैं और इसी महल की वजह से जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो अभी हम महल के अंदर चलने वाले हैं भाई, महल के अंदर चल के हम देखेंगे महल। और हवा महल के सामने भाई बहुत सारे फॉरनर्स आपको बिल्कुल दिखेंगे रोज की रोज। इधर भाई डेली फॉरनर्स आते रहते हैं क्योंकि जयपुर में ही भाई आपको ज़्यादातर फॉरनर्स ऐसे ही घूमते हुए दिख जाएंगे जो कि भाई इधर के जो किले, इधर की जो संस्कृति देखने के लिए आते हैं। आप सामने की तरफ देखिए भाई, इसके सामने अभी फिलहाल ठीक ठाक भीड़ है, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो भाई बहुत ज़्यादा धूप है। और ये तो गाइज मुझे यहाँ पे एक भाई मिले हैं, ये भी व्लॉग्स बनाते हैं। अच्छा, किस नाम से चैनल है आपका? साहिल लक्ष के नाम से चैनल है मेरा। आप प्रॉपर इधर से ही हैं? मैं जयपुर से ब्लॉग। अच्छा, थोड़ा बताइए ना हवा महल के बारे में, पहली बार ही आया हूँ जयपुर। आप जयपुर आए हैं, हवा महल में आप देख रहे हैं। अच्छा, जो कि इसमें 365 खिड़कियाँ हैं। 365 आप गिन सकते हैं। और जो इसका डायरेक्शन है वो डाउन की तरफ है, जो रानी जो यहाँ पे बैठती थी वो ऊपर बैठती थी, लोग नीचे के लोग रानी को नहीं देख पाते थे। पर रानी ऊपर से नीचे देख सकती थी। पहले के ज़माने में लाइट वगैरह नहीं होती थी तो हवा के लिए देखो आप ऊपर गौर कर सकते हैं। और जितने भी गाइस लोग देख रहे हैं आप गौर से देखिए, हवा महल भैया ब्लॉग बना रहे हैं कि इसमें खिड़कियाँ, छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं और छोटे छोटे होल हैं। तो पहले जब एयर आती थी तो वहीं हवा महल, इसी इसका नाम हवा महल है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जयपुर में ऑटो चलाता हूँ और टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। तो ये चीज़ आप जो कलर देख रहे हैं ये पिंक सिटी के नाम से है। अब आप पिंक सिटी बोलेंगे, ये पिंक सिटी नहीं, पिंक कलर तो अलग होता है। पर ये इसलिए बनाया था कि जो यहाँ के राजा थे सेकेंड महाराणा सवाई मान सिंह जी, उनके जो फ्रेंड थे एल्बर्ट, तो यहाँ पर एक एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम भी है। तो उन्हीं के फर्स्ट टाइम जब इंडिया आए थे वो, तो उनके वेलकम के लिए ऑथेंटिक चीज़ बनाने के लिए ये कलर किया हुआ था। तो उनको एक अलग लगे कि यहाँ पे मेरे लिए एक वेलकम के लिए क्या चीज़ बनाई है। तो ये कलर जब से पिंक सिटी है। इसमें कहानी ये है कि आप जब भी आप अलग अलग यहाँ तक दीवार देखोगे और जितनी भी शॉप देखेंगे आप, सब सेम साइज़ की होंगी और सब पे पिंक कलर ही होगा। कोई भी शॉप यहाँ पर अलग कलर की नहीं कर सकते, यहाँ की गवर्नमेंट ही हर साल दिवाली पर पेंट करती है। अच्छा, इसको रेनोवेट करवाती रहती है समय समय। हाँ, समय समय पर इसको वही करती है। आप पर्सनल आपकी शॉप है पर आप पेंट नहीं कर सकते, या अलग से आप पिंक कलर होगा और इसका ब्लैक कलर के नाम पड़े होंगे सब पे। और तो गाइस ये भैया अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं और मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ, भाई के साथ मुझे भी सपोर्ट करिएगा। चैनल का नाम एक बार बता दो। मेरे चैनल का नाम है साहिल लव 6 और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा इस, और मेरा जो बोलने का तरीका है प्लीज़ आप हैंडल कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस। तो चलिए गाइस, अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ हवा महल के अंदर। और भाई मेरे को जो ये अपना कैमरा है वो अपने बैग में रखना पड़ेगा क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ तो है लेकिन भाई उसकी 12,000 रुपये टिकट है। तो भाई 12,000 रुपये तो मैं अभी वीडियो से ही नहीं कमा रहा, खाओ माँ कसम। तो 12,000 रुपये की भाई टिकट कहाँ से ले गए अभी हम इसकी। तो कैमरा भी रखना पड़ेगा, अगर मैं गलती से भी कैमरा अपना बाहर निकाल के
वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो मेरे को डबल चालान भरना पड़ेगा, 12,000 का मतलब 24,000 हो जाएगा भाई। तो इतने तो भाई हम भर नहीं पाएंगे, तो मैं मोबाइल से अभी रिकॉर्ड करूँगा, तो मोबाइल से आपको दिखाऊँगा सब कुछ, क्योंकि मोबाइल इसके अंदर अलाउ है, मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये पता नहीं गाइज कौन सा लॉजिक है भाई, मोबाइल में भी तो कैमरा ही होता है भाई, उसमें कौन सी सी भैंस की आँख लगी रहती है, वो भी तो कैमरा ही होता है, लेकिन भाई पता नहीं क्यों अंदर अलाउ नहीं होता। तो गाइज अभी हमने ले लिया है भाई टिकट हवा महल के अंदर जाने के लिए, हवा महल की हवा खाने के लिए। और भाई ये हवा महल की एंट्री है, सामने से दोनों तरफ से ऐसे सीढ़ियाँ जा रही हैं, एक इधर की तरफ से एक इधर की तरफ से, जहाँ से भाई लोग अपना एंटर कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल के टाइम तो भाई मैं ये जो व्लॉग है मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी जो वीडियो की स्टेबिलिटी रहती ना, तो थोड़ा हिलता डुलता रहता, तो वैसा कुछ होगा आज, क्योंकि मैं कैमरे से नहीं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। तो भैया आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, चलता भाई क्योंकि इधर कैमरे की भाई बहुत ही ज़्यादा टिकट है, तो इसी वजह से टिकट भाई उधर की तरफ मिलेगी आपको, उधर सामने दिख रहा ना, उधर टिकट मिलेगी आपको। तो गाइस सब कुछ भाई क्लियर करने के बाद, आपको बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद, मैं आ चुका हूँ भाई फ़िलहाल के टाइम हवा महल के बिल्कुल अंदर, जो बरामदा रहता ना हवा महल का, अभी मैं उसके अंदर हूँ। तो ऐसा कुछ नज़ारा है हवा महल का चारों तरफ से। जैसे ही हम भाई हवा महल के अंदर घुसते हैं, तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं इधर, आप देख सकते हैं भाई कितने ज़्यादा ये गमले भी हिल रहे हैं इधर, क्योंकि हवा बहुत मस्त आ रही है हवा महल के अंदर। और इसी वजह से भाई ये जो हवा महल है, इन हवाओं की वजह से ही भाई ये हवा महल जाना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं, अब मैं बाहर था, बाहर भी इतनी ज़्यादा हवा नहीं लग रही थी, लेकिन इधर जैसे हम पंखा चलाते ना, जैसे कूलर चलता रहता अपना, उस टाइप से इधर हवा आ रही है। आप सबूत के साथ देख सकते हैं भाई कितने ज़्यादा इधर गमले हिल रहे हैं। और सामने की तरफ जैसे ही आप घुसते हैं, तो भाई इधर एक बहुत ही अच्छा वाटर फाउंटेन का इन्होंने लगाया हुआ है, जिसके अंदर अभी फ़िलहाल के टाइम पानी नहीं है, जो अभी एकदम क्लोज पड़ा हुआ है। और हवा तो भाई अभी से ही लगनी चालू हो चुकी है हवा महल के अंदर। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ हवा महल के रूम्स के अंदर, और ये है हवा महल के रूम्स, जो कि भाई काफ़ी शानदार है और काफ़ी लाजवाब है, एकदम ठंडे ठंडे। सामने की तरफ आप देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे झरोके, छोटी छोटी खिड़कियाँ इधर की तरफ भी है, इधर भी है, हर तरफ इधर भाई खिड़की खिड़की है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारी जो हवाएं चलती रहती है ना, जो हवाएं पास होती रहती है, इन खिड़कियों की वजह से इधर बहुत ज़्यादा हवा आती रहती है। तो मैं इन खिड़कियों के बारे में आपको बता दूं, इस पूरे हवा महल के अंदर 953 खिड़कियाँ हैं, जिनसे भाई इस हवा महल में हवा आती जाती रहती है। तो गाइज ये कुछ दरवाजे हैं भाई हवा महल के, इनका भाई यूनिक डिज़ाइन देखिए आप, और ये कलाकृति देखिए भाई, ये जो ग्रीन ग्रीन इसमें कलर दिया गया है ना, ये पूरा पहले के टाइम में इधर के लोग ऐसा बताते कि जितने भी इनमें कलर दिए जाते थे ना, कि वो सब्जियों से ज़्यादा करी जाती थी इधर, तो मेरे ख्याल से ये भी सब्जियों के द्वारा करा गया है इसमें भी पेंट, जो कि मेरे ख्याल से रिनोवेट नहीं है बिल्कुल भी, उसी टाइम का लग रहा है, उसी टाइम का दरवाज़ा है ये। तो अभी हम चलते हैं हवा महल की छत के ऊपर, ये यहाँ पर कुछ रैंप सा बनाया गया है हवा महल के ऊपर जाने के लिए, ये सीधा रैंप जा रहा है, सीढ़ियाँ नहीं है, रैंप होता ना जैसे रैंप बना देते हैं, तो रैंप की मदद से हम ऊपर जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही शानदार सिस्टम है ऊपर जाने का, जो कि पूरा का पूरा रैंप के द्वारा है। और साथ ही साथ आपको हवा महल के अंदर ये रंग बिरंगे ग्लासेस दिखेंगे, जो कि ऊपर की तरफ लगाए गए हैं हर दरवाजे की चौखटों पर, ये रंग बिरंगे से ग्लासेस लगाए गए हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और देखने में और भी शानदार लग रहा है। आपको मैं अंदर की तरफ से भी चल के दिखाता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ गाइज उस पॉइंट के पास, जहाँ पर यहाँ की जो रानियाँ हुआ करती थी ना इस किले की, जो यहाँ से देखा करती थी, क्योंकि उनको किले से बाहर जाना तो अलाउ हुआ नहीं करता था, लेकिन वो इधर की तरफ से बाहर का नज़ारा देखा करती कि बाहर का माहौल कैसा है, बाहर कैसे लोग घूम रहे फिर रहे हैं, जो भी भाई उनके मन में चल रहा होता था उस समय, वो उस प्रकार से देखा करती थी। जो कि ये दरवाजे बनाए गए हैं, ये खिड़कियाँ बनाई गई हैं छोटी छोटी सी, इधर से भाई रानी महारानी अपना बाहर का लुत्फ़ उठाती थी बाहर का नज़ारा देख के, क्योंकि पहले की जो प्रथा हुआ करती थी वो ऐसी हुआ करती थी कि जो रानी महारानी हुआ करती थी ना, उनको काफ़ी पर्दे में रखा जाता था, तो उनको ना बाहर जाना अलाउ हुआ करता था, ना बहुत ज़्यादा छूट हुआ करती थी कि वो कहीं बाहर जाए या बाहर जाकर घूमे, तो उन्हीं के लिए इधर अलग से ये खिड़कियाँ बनाई गई हैं, ताकि उनका मन भी लगा रहे और
बाहर का भी वो नज़ारा देख सके। तो गाइज आपको आज मैं व्लॉगिंग में काफ़ी सुस्त सा लग रहा हूँ, काफ़ी एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ मैं आज अपने, क्योंकि एक तो गला सा बैठ गया मेरा, दूसरा पता नहीं भाई तबीयत सी ख़राब लग रही है मेरे को आज। और ये अंदर से भाई कुछ गली आ रहा है एक और हवा महल की छत पर जाने के लिए। वैसे तो गाइज मेरे को एक भाई साहब मिला था जो बोल रहा था इधर गाइड कर लो, आपके गाइड आपको हर चीज़ समझा देगा, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई मैं भी एक खुद ही गाइड बन चुका हूँ आपको इतनी सारी नॉलेज दे दे के, तो मेरे को भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है जिस जगह पे मैं जाता हूँ ना, जिस भी इलाके में मैं जाता हूँ तो मेरे को भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि वो चीज़ें सही रहती हैं। तो भाई गाइड वाइड की तो अपने को कोई ज़रूरत है नहीं अभी, तो अभी मैं ही हूँ तुम्हारा गाइड। तो भाई ये वीडियो देख लो आप और वीडियो का पूरा मज़ा ले लो। तो अभी मैं आ चुका हूँ हवा महल की सेकंड बालकनी की तरफ। ये नीचे की तरफ आप एक बरामदा सा देख सकते हैं जिसके चारों तरफ भाई गमले गमले हैं। वो मेरे ख्याल से उधर वाटर फाउंटेन की तरह हुआ करता था जिससे भाई पानी निकलता था, लेकिन आज के समय में वो बंद है, बिल्कुल क्लोज है। लेकिन काफ़ी अच्छा भाई इसको हवा महल को रेनोवेट करके रखा है, इसका समय समय पर कलर होता रहता है उसी हिसाब से जिस हिसाब से भाई ये पहले दिखता था, पहले हुआ करता था। तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें आर्टिफिशियल लगेगा नहीं, सिर्फ इसका जो रंग पेंट होता ना वो समय समय पर सरकार इधर की जो गवर्नमेंट है वो इसको रेनोवेट कराती रहती है। तो गाइज हवा महल की एक खास बात हो रहा है, आपको हवा महल के अंदर जितने भी रूम दिखेंगे ना वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, वो नॉर्मल जैसे आज के ज़माने में हमारे घर के भी रूम होते हैं ना वो मेरे ख्याल से उनसे भी छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं है हवा महल के अंदर रूम। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ कितने छोटे छोटे रूम है इसके अंदर। ये देखिए इधर की तरफ ये कुछ एक छोटा सा कक्ष है, कमरा है। ये देखिए भाई कितना छोटा कितना पतला है, ये मेरे ख्याल से ये पता नहीं भाई किस चीज़ के लिए यूज़ में आता होगा, लेकिन बहुत ही छोटा बहुत ही पतला है, इधर तो एक चारपाई भी नहीं आ सकती और आदमी ऐसे सो जाए तो ऐसे सो भी नहीं सकता, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ में आता होगा। तो ज़्यादा बड़े बड़े कमरे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत खूबसूरत है हवा महल। मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग आइए इधर घूमने के लिए, इसकी जो खूबसूरती है ना आप इधर ही आके फील कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको जो इसका पूरा आनंद है ना वो पूरा देने की कोशिश करूँगा हवा महल का। ये एक और रूम है जिसके अंदर मेरे ख्याल से अभी काम चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं भाई ज़्यादा बड़े रूम नहीं होते, सिर्फ छोटे छोटे से रूम है। तो अभी मैं आ चुका हूँ हवा महल के एकदम टॉप फ्लोर पर, जो हवा महल का सबसे ऊपर का टेरेस है मैं उसके ऊपर आ चुका हूँ। और इधर भी भाई काफ़ी ज़्यादा खिड़कियाँ हैं जिनके अंदर से बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ऐसा नहीं है भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्म गर्म हवाएं आती रहती हैं, इनके अंदर से पता नहीं ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, एकदम छन की हवा आती है इनके अंदर से, तो ऐसा कुछ है ऊपर से ये। अभी इसका एक और टॉप फ्लोर है उसके ऊपर भी जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा है ये वाला टॉप फ्लोर जो कि लाजवाब है देखने में। तो अभी हम भी चलते हैं भाई इसके बिल्कुल एकदम टॉप फ्लोर पर, और एकदम टॉप फ्लोर से आपको मैं हवा जो जयपुर सिटी है ना उसका व्यू देता हूँ पूरा। ये देखिए गाइस अभी से यहीं से ही भाई व्यू देख सकते हैं आप पूरी जयपुर सिटी का, पिंक सिटी का, तो कुछ ऐसी दिखती है पिंक सिटी। और सामने की तरफ भी आपको एक किला दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि आमिर का किला है, जो राजा मान सिंह का किला है वो है मेरे ख्याल से, वो शायद मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी। तो ठीक है गाइज आज की वीडियो में भाई इतना ही, अब मिलते हैं भाई कल मज़ेदार सी वीडियो लेके। अगर भाई वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ भाई मैं मानता हूँ आज वीडियो थोड़ी मैं ठीक तरीके से ठीक ढंग से बना नहीं पाया, क्योंकि एक तो मेरा गला ख़राब है और भाई पता नहीं क्यों बुखार सा भी फील हो रहा है। तो भाई मिलते हैं अब कल मज़ेदार सी वीडियो लेके, तो भाई तब तक के लिए जय श्री राम।